अब हमने सिमेट्री निकाल दी। सिमेट्री निकालने के बाद हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं। जनरल फॉर्म है इसका, नाम है अपन को हम बताएंगे पेंटागोनल इकोसी टेट्रा हेड्रा, इकोसी टेट्रा हेड्रा। तो सबसे पहले अपन इसमें फेस काउंट कराएंगे। तो देखो 1 2 3 तो यहाँ पर हो गए सॉलिड और 3 ही हॉलो। तो इसी तरीके से कितने 6, तो 6 के कितने बढ़ेंगे 4 ग्रुप, 1 2 3 4, मतलब 24 फेस हो गए यहाँ पर, है ना, टोटल 24 फेस। पेंटागोनल क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, जिनकी जो फेस है जनरल फॉर्म की, आप डेक्सा पर्किंस उठाइएगा उनकी जो फेस है जनरल फॉर्म, इसका नाम एक और होता है उसको बोलते हैं गायरोइडल, गायरोइड होता है, तभी तो उस क्लास को गायरोइडल क्लास भी कहते हैं कभी कभी। देखना ये जो गायरोइडल है उसको देखेंगे जब आप, तो वहां पर पेंटागोनल टाइप के कुछ इस तरीके के ऐसे फेस, इन फेस से 20, इन ऐसे 20 फेस से मिलकर बनाओगे ये जनरल फॉर्म पूरी। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसका एग्जांपल क्या है, इनका मिनरल एग्जांपल, मिनरल एग्जांपल इसका बहुत ही अच्छा है, क्यूपराइट, CO2, जिसको आप कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, कहते हैं ना क्यूप्रस ऑक्साइड, ये वाला। ठीक है, तो क्लास आपकी 4 3 2 कंप्लीट। मुझे लगता है आपकी अच्छी तरीके से सिमेट्री निकालना समझ में आ गया, किस तरीके से 3 टेट्राहेड्रल एक्सिस निकाले, किस तरीके से 4 ट्राहेड्रल एक्सिस निकाले, किस तरीके से आपने 6 डायड एक्सिस, पूरा सिस्टम समझ में आ गया आपका। ओके, ये एक्चुअल में ट्राइड एक्सिस कहाँ पर होते हैं आपने आइडिया तो लगा लिया होगा ना, तो कोई यहाँ पर होता है सॉलिड एंगल होता है ना इनके पास, जैसे आप क्यूब ऐसे खड़ा करोगे आप ऐसे रोटेट कराएंगे तो आपके आ जाएंगे। एक ये रहा, एक ये दूसरा। तो क्या होता है, एक इधर से दूसरी साइड में भी होता है, वहां से इनमें निकला हुआ होता है, तो उसने एक नीचे वाला कवर कर लिया, एक ऊपर वाला, ये इधर इस वाले को कवर कर लेता है दूसरी साइड, ये वाला इस दूसरे कॉर्नर की साइड को, ये इसको ऐसे इसके अंदर से, तो ये यहाँ से निकलते हैं 3 2 निकलते हैं एज के बीच में से, बिल्कुल मिडिल में से 2 डायड एक्सिस, डायड एक्सिस में बिल्कुल मिडिल के बीच में, ऐसे एज के बिल्कुल मिडिल में, ये तो यहाँ से ट्रायड एक्सिस निकलता है अपने। ठीक है, और टेट्राहेड्रल एक्सिस कहाँ से निकलते हैं, एक टेट्राहेड्रल एक्सिस तो ये हो गया वर्टिकल, दूसरा टेट्राहेड्रल एक्सिस ये रहा एक्चुअल में, ये जो इधर से इधर चलता है, मतलब मेरे सामने से पीछे, और जो ऑब्जर्वर होता है उसके फ्रंट से बैक साइड में जाता है, और दूसरा टेट्राहेड्रल एक्सिस यहाँ से लेकर के यहाँ तक यहाँ पर निकलता है, मतलब लेफ्ट राइट में निकलेगा। ठीक है, लेफ्ट राइट में इस तरीके से बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं इसको यहाँ पर, तभी तो देखो ये रहे लेफ्ट राइट वाले, ये जो मेरे सामने था फ्रंट में और ये मेरे बैक में था ये रहा, और ये मेरे ऊपर, तो ये वर्टिकल है, तो इस तरीके से है ये, कोई दिक्कत नहीं समझने में, पूरा सिस्टम समझ में आ गया, किस तरीके से फेस को रोटेट किया, कैसे अपने डायरेक्ट एक्सिस निकाले हुआ है। ओके, एग्जाम्पल समझ लिया, जनरल फॉर्म को आप सेटिस्फाई कर लेना। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं हम अगली क्लास के लिए।